अच्छा सर, जो पिशावर की बैटिंग के हवाले से बात करते थे हम हमेशा, तो बाबर आजम और सैम अयूब के आउट होने के बाद जो पोल हैं वो तो खुल गए पिशावर की बैटिंग के, कि कितना ज़्यादा दमखम उसमें मौजूद है। बिल्कुल आउट ऑफ नो वेयर आके परफॉर्मेंस दी है, अदरवाइज पिशावर जर्मी तो मेरे ख्याल है 50 पे बुक होने वाली थी। बिल्कुल, जब से वो लीड करें, बाबर आजम सामने फ्रंट पर लीड कर रहे हैं और फिर ऊपर से आके जो बैटिंग करते हैं आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, और 100 रन भी किए अपनी सेंचुरी कज़ाफी स्टेडियम में लास्ट मैच में। यही चीज़ है कि सैम अयूब भी उनके साथ उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। टॉप ऑर्डर 6 ओवर होते हैं, आप 6 ओवर के बाद असल सेकंड जो घेर होता है वो वहाँ से 6 ओवर के बाद लगता है सर्कल में जब आप खेल रहे होते हैं, और अगर विकेट जो है आपकी गिर जाए उसके बाद फिर यही हाल होता है जो डबल फिगर में बाकी प्लेयर्स नहीं गए मगर आमिर जमाल ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया में देखें क्या क्लास की बैटिंग करी उन्होंने। मैं यही कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप आने वाला है तो प्लेयर कोशिश करें कि अगर कि अपनी इंडिविजुअल इनिंग्स जो है ना वो खेलें और अपनी परफॉर्मेंसेज दें आगे, सिलेक्शन कमेटी को जो है ना वो ज़रा मंजर आम पे आए, सामने नज़रों में लेके आए। तो ये लेग स्पिनर्स बॉलर सामा मीर और सारे जो बॉलिंग कर रहे हैं और जितनी स्किल दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं कि वर्ल्ड कप करीब है। तो मेन चीज़ यही है कि टॉप ऑर्डर जो बाबर आजम थे वो आउट हुए, उसके बाद सैम अयूब आउट हुए और बैक टू बैक विकेट्स गिरती गई। अगेन नो डाउट अटैक बड़ा अच्छा किया इस्लामाबाद ने, शायद आपकी कैप्टनसी शुरू में देखें तो 6 ओवर में अच्छी थी क्योंकि मेन बैट्समैन एलेक्स हेल्स, कॉलिन मिनरो हैं वो भी टॉप पे खेल रहे हैं। अगर वो आउट होते हैं उनसे अटैक करवाया सैम अयूब से जहाँ उन्होंने जो है विकेट भी लिए, तो मुश्किल बीच में आई हैं। मगर मिडिल ऑर्डर में हम देखें तो पेशावर जलमी में कहीं ना कहीं जो खला है वो बैटिंग नज़र आ रही है अगर ये टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है बाबर आजम और सैम अयूब।